सारी व्यवस्था को चलाने का अपना उनका जिम्मेदारी है, वही हिंसा पे उतारू है, वही लोगों को मारपीट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आज बीजेपी के पार्षदों ने, हम सब ने वहाँ पे सबको अगर संयमित नहीं किया होता, धैर्य से काम नहीं लिया होता, तो आज सदन में बहुत खराब स्वरूप देखने को मिलता। क्यों डर है भाई? आम आदमी पार्टी को डर किस बात का है? क्या नैतिक रूप से आम आदमी पार्टी हार चुकी है? क्या उनको समझ में आ गया है कि वो उनके जो पार्षद है उनका साथ नहीं देंगे? किस बात का डर है? क्यों हंगामा है? सदन की व्यवस्था सदन के आज आयुक्त के अनुसार चलेगी, और जब मेयर चुन लिया जाएगा तो मेयर अपने हिसाब से चलाएंगे। तो आज मेयर चुनने के पहले ही, शपथ दिलाने के पहले ही इस तरह का हंगामा, ये निश्चित रूप से दिखाता है कि आम आदमी पार्टी नैतिक रूप से हार चुकी है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पे सवाल उठा रही है, चाहे वो जो शपथ कराने के लिए एनजी की तरफ से चुने हुए लोग हैं या बाकी चीजें हैं, लगातार भाई ये सारा संवैधानिक प्रक्रिया है। आप संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध कैसे कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत सारा कुछ हुआ है, अगर उसके बाद भी आप विरोध करते हैं तो आप बहाना मत बनाइए। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी नैतिक रूप से हार चुकी है, उनको अपने पार्षदों पे भरोसा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।